दिल्ली परमिट वाला ऑटो गाजियाबाद में चोरी हो जाने के बाद इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने पीड़ित से दिल्ली की एफआईआर मांगी तो ऑटो मालिक ने द्वारका सेक्टर 23 में ऑटो लूट की झूठी कॉल पुलिस को कर दी। लेकिन जांच में मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया। 1 और 2 जून की दरमियानी रात को पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आया कि गोल्फ कोर्स लिंक रोड पर 3 अज्ञात लोग चाकू की नोक पर ऑटो और 1,000 रुपए नकद लूटकर भाग गए हैं। शिकायतकर्ता ने अपना नाम सुमित पाल निवासी कुतुब विहार फेज 1 गली नंबर 9 कोयला डेरी बताया। तुरंत ही द्वारका सेक्टर 23 थाना पुलिस ने एफआईआर संख्या 247/21 अंडर सेक्शन 392/34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए एसीपी विजय सिंह ने एएटीएस इंस्पेक्टर रामकिशन के सुपरविजन में और एएटीएस इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में एएसआई विकास, एएसआई करतार सिंह, हेड कांस्टेबल सोनू, कांस्टेबल राजेश और कांस्टेबल राजबीर की एक क्रेक टीम बनाई। वारदात का खुलासा करने और कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया गया। पीड़ित द्वारा बताई गई वारदात वाली जगह को क्रेक टीम ने बारीकी से जांचा, लेकिन कंप्लेंटेंट द्वारा बताई गई घटना की 1 सेकंड की भी सीसीटीवी फुटेज जांच टीम को नहीं मिला। वारदात वाली जगह का मोबाइल डंप डाटा निकाला गया, लेकिन एक भी सस्पिशियस मोबाइल नंबर नहीं पाया गया। जांच टीम को कंप्लेंटेंट सुमित पर संदेह हुआ। सुमित से क्वेश्चनिंग की गई। शुरू में उसने वही कहानी दोहराई जो एफआईआर में बताई थी, लेकिन कड़ी पूछताछ में सुमित टूट गया। उसने खुलासा किया कि वो ऑटो ड्राइवर है और उसने ऑटो किराए पर लिया था। उसने बताया कि 13 जून को वो ऑटो से भोपरा बॉर्डर यूपी गया था और उसका ऑटो भोपरा यूपी से किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया। इस संबंध में उसने भोपरा यूपी के टीला मोड़ थाने में शिकायत की और ऑटो मालिक को शिकायत की सूचना दी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब उसने कंपनी में बीमा दावा किया तो वो खारिज हो गया। बीमा कंपनी का कहना था कि ऑटो का परमिट केवल दिल्ली का था तो एफआईआर भी दिल्ली की होनी चाहिए। इसके बाद सुमित ने दिल्ली में ऑटो लूट की झूठी कहानी गढ़ डाली। पुलिस ने शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।